स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म। कहानी की शुरुआत में हम एक केसु के नाम के लड़के को देखते हैं जो कि रेडी हो रहा होता है कहीं जाने के लिए। इसके दो फ्रेंड आते हैं और कहते हैं दुल्हन तैयार हो गई है। और यहाँ से हम पास्ट में जाते हैं जब केसु के स्कूल में पढ़ाई करता था। स्कूल में इसका कैरेक्टर काफी अजीब था, पढ़ाई में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और सबको परेशान किया करता था। इसके दो डरपोक से दोस्त भी थे और स्कूल में इसके बड़े बड़े बालों को देखकर टीचर हमेशा इसको डांट लगाती थी और पनिशमेंट दिया करती थी, तो ये उनको भी सीड्यूस करने की कोशिश किया करता था। एक दिन क्लास में ये गंदा सा जोक लिख देता है जिसकी वजह से इसको वॉल फेस की सजा सुनाई जाती है और ये पढ़ने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो टीचर इसे मई नाम की एक लड़की के साथ बैठने को कहते हैं क्योंकि मई जो होती है वो क्लास की टॉपर थी। अगले दिन मैथ क्लास में गलती से मैथ की बुक नहीं लेकर आई होती है मई, तो केसुके इसको अपनी बुक दे देता है जिसकी वजह से केसुके को फिर से वॉल फेस की सजा होती है। और मई इससे पूछती है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। ये कहता है कि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, काफी बोरिंग होता है। मई यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन केसुके स्कूल जल्दी आता है क्योंकि स्कूल में अपने फ्रेंड केंटो के साथ ये फाइट सीखता है। प्रैक्टिस के बाद क्लास में जब ये आता है तो मई भी यहीं पर बैठकर पढ़ रही होती है क्योंकि वो भी जल्दी आ जाया करती है। दोनों में बातें होती हैं और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि मई सीधी लड़की नहीं है। ये पढ़ने में तो हालांकि तेज है बट काफी शरारती होती है। दोनों की इसी वजह से दोस्ती हो जाती है और मई इसकी हेल्प करती है पढ़ने में। क्लास में इसको सोने से रोकती है और गंदे गंदे जोक्स भी सुनाने से इसको काफी रोका करती है। एक दिन मई इसे कुछ मैथ के होमवर्क देती है और कहती है इसको कंप्लीट करके आना। केसुके घर आकर रात भर कोशिश करता है और अगली सुबह जाकर इसको दिखाता है होमवर्क, तो सारा गलत होता है। इसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं कर पाता ये। मई कहती है कि तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और ये काफी मेहनत करने लग जाता है। जल्दी ही अच्छे नंबर भी ले आता है क्लास के अंदर और मई भी बहुत खुश होती है क्योंकि केसुके जैसे हमारा लड़के को इसने एक अच्छा स्टूडेंट बना दिया होता है। ये दोनों बहुत टाइम साथ में बिताने लग जाते हैं। स्कूल के बाद भी दोनों क्लास में बैठकर पढ़ाई किया करते हैं। केसुके एक दिन कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, देखते हैं कि क्लास का जो एग्जाम होगा उसमें सबसे ज्यादा कौन ऊपर नंबर लेकर आता है और हारने वाला जीतने वाले की एक विश पूरी करेगा। और इसके बाद तो दोनों पढ़ाई में लग जाते हैं। केसुके इसका खूब मजाक बनाता है, इसको चिढ़ाता है, परेशान करता है जब ये पढ़ाई कर रही होती है, बट ये इसको इग्नोर कर देती है। और काफी दिन पढ़ाई होती है, एग्जाम भी देते हैं लोग और रिजल्ट का दिन आ जाता है। मई ने सेकंड किया होता है और केसुके टॉप 10 में भी नहीं आया होता, तो अब हारने वाले को एक बात तो पूरी करनी ही पड़ेगी। मई इसे सैलून लेकर जाती है और इसके बाल कटवा देती है जिससे इसको बहुत ज्यादा प्यार था, और छोटे बाल करवा देती है बहुत ही ज्यादा, और इसके ऊपर खूब हंसती है, इसका मजाक बनाती है कि तुम कितने गंदा दिखते हो। और तो इसके जो फ्रेंड होते हैं वो भी इसका मजाक बनाते हैं और इसके सर के साथ खेल रहे होते हैं। एक दिन मई अपनी फ्रेंड उटाको के साथ यहीं से गुजर रही होती है। केसुके वहीं बैठा अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा होता है, उसकी नजर पड़ती है तो देखकर चौंक जाता है क्योंकि मई भी काफी ज्यादा सुंदर बन गई होती है क्योंकि उसने अपने आगे के बालों को काट लिया होता है। और मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं जो इस साइड में लटक रहे हैं, ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा बड़े हो गए होते हैं इसको। तो ये देखकर केसुके का दिल मचल जाता है और ये समझ जाता है कि ये मई से प्यार करता है। एक दिन क्लास में एक पुलिस ऑफिसर आते हैं, रिपोर्ट आई है कि किसी ने बाहर पब्लिक चीजों को नुकसान पहुंचाया है और पंगा लिया है, मतलब बाहर किसी ने। तो टीचर कहती है कि देखो जो भी बच्चा सुबह 7 बजे से पहले आता है क्लास के अंदर वो उठ जाओ। अब केसुके अपना हाथ ऊपर कर देता है क्योंकि इसे पता है कि टीचर वैसे भी इस पर भरोसा नहीं करने वाली है, और बैग फेंक देता है। बाकी के स्टूडेंट भी इसके साथ बैग फेंकते हैं तो सबको पनिशमेंट मिलती है क्योंकि ये सारे सुबह 7 बजे से पहले स्कूल में आ जाया करते। मई यही खड़ी रो रही होती है क्योंकि उसको पहली बार पनिशमेंट मिली होती है। तो केसुके इसका मजाक बनाता है और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और स्कूल इनका कंप्लीट हो जाता है। ग्रेजुएशन का दिन आता है और मई सबके सामने स्पीच देती है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। स्कूल का आज लास्ट डे होता है तो केसुके और फ्रेंड बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं क्योंकि ये जो दिन है वापस नहीं आने वाले और इसकी लोगों को बहुत ज्यादा याद आएगी। यहीं पर मई अपनी फ्रेंड उटाको को एक लड़के के बारे में बताती है कान के अंदर कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसका नाम हमें अभी नहीं बताया जाता है। फिर सभी फ्रेंड्स बीच पर जाते हैं और शाम को घर पर केसुके को मई कॉल करके जल्दी से बुलाती है। इसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये भागता हुआ उसके पास जाता है तो मई रो रही होती है। वो बताती है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी वहां पर मुझे एडमिशन नहीं मिला। केसुके इसे समझाता है और अपनी शर्ट उतार कर इसके आंसू पोंछता है। और जल्दी ही मई को टोक्यो के एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, इसलिए अब इसको इस सिटी से जाना पड़ेगा। जाने से पहले केसुके इसको एक टी शर्ट गिफ्ट करता है जिसका मतलब होता है यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज, और फिर मई यहाँ से चली जाती है। केसुके भी यहीं पर एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लग गया है। इनकी रेगुलर कॉल पर बातें हो जाया करती है। मई बताती है कि मैं ओटाको के साथ ही रहती हूँ क्योंकि वो भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में आ गई है और हम दोनों काफी अच्छे से हैं यहाँ पर। और कुछ महीने देखते देखते बीत जाते हैं और जब समर वेकेशन आता है
तो मई अपनी सिटी वापस आती है कियासुके से मिलने के लिए। दोनों घूमते हैं। मई कहती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। कियासुके कहता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें पसंद करने का। अब यह सुनकर मई नाराज हो जाती है क्योंकि इसको लगा था कि कोई सीरियस सा या मिच्योर सा जवाब आएगा। कियासुके को लगता है कि मई इसे पसंद नहीं करती है। कियासुके कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट तुमसे मैंने कभी बताया इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, मैं जानता हूँ। इसलिए ये कभी जानना ही नहीं चाहता कि मई इसको पसंद करती है कि नहीं करती, क्योंकि वो इसको खोने से डरता है। मई इसे पसंद करती है, वो मन में बताती है, और ये बातें सुनकर उसको काफी बुरा लगता है और वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं करती है इसको। और कुछ दिन बाद कियासुके के कॉलेज में एक फाइट का इवेंट होने वाला होता है। ये मई को कॉल करके इनवाइट करता है क्योंकि वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है अपनी फाइटिंग स्किल्स को दिखाकर। यहाँ पर ये आती है और फाइट होती है, बट मई इम्प्रेस तो नहीं होती है। वो इसको उल्टा सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम बचकाने हो, तुम मैच्योर नहीं हो, और तुम बिना रीजन खुद को हर्ट करते हो मेरे को इम्प्रेस करने के लिए। कूल मिला जुला उसके कहने का मतलब होता है कि तेरी हरकतें बच्चे जैसी है और तू मतलब सीरियस नहीं अपनी लाइफ को लेकर। दोनों में यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और यहीं से दोनों अलग हो जाते हैं। और उस दिन के बाद इनकी आज तक कभी भी बात नहीं हुई है। दोनों अपनी लाइफ में खुश है, जो इनको करना था वो कर रहे हैं, और दो साल देखते देखते बीत जाते हैं। और एक दिन अर्थक्विक आता है जापान में। कियासुके को मई की फिक्र होने लग जाती है दो साल बाद की कहीं वो अर्थक्विक के नीचे ना गई हो, तो ये कॉल करता है उसको और वो भी वहां से कॉल करती है। दोनों की बातें होती है। कियासुके कहता है कि तुमने मुझे डेट करने से मना क्यों कर दिया था। ये कहती है कि मैं उस टाइम रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए तुम्हारे साथ तैयार नहीं थी। नहीं मतलब पूरे दिन तुम उसके साथ रहो। बहुत ही अजीब सा ये बहाना था, जो भी था। काफी देर बात होती है इन दोनों की। मई इसे थैंक यू कहती है अभी तक मई से प्यार करने के लिए और स्कूल में इसका इतना साथ देने के लिए। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब कियासुके एक नॉवल राइटर बन गया होता है। एक दिन अचानक मई इसे कॉल करती है और बताती है कि मैं शादी कर रही हूँ। अरे यार। और कियासुके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी शादी अटेंड करने जाता है। कियासुके खुश है क्योंकि वो जिससे प्यार करता था वो लड़की बहुत खुश है। अब सभी फ्रेंड्स यहाँ पर आए होते हैं, इनकी फोटोशूट होता है, और यहीं पर दूल्हा कहता है कि जिसे भी मेरी वाइफ को किस करना है उसे पहले मेरे को किस करना पड़ेगा उसी सेम वे में। तो कियासुके दूल्हे को किस करने लग जाता है ये समझ के कि वो मई को किस कर रहा है। फिर कियासुके इमेजिन करता है और पास्ट याद करने लग जाता है कि कुछ साल पहले इनकी कैसे लड़ाई हो गई थी उस फाइट वाली रात को, और सोचता है कि काश मैंने उस दिन हार मान ली होती इस लड़की से और माफी मांग लिया होता तो आज ये मेरे साथ होती। और मई भी सोच रही होती है और याद कर रही है कि स्कूल के ग्रेजुएशन वाले दिन इसने अपनी फ्रेंड के कान में कहा था कि मैं कियासुके को लाइक करती हूँ, काश मैं उसके साथ हमेशा रह पाऊँ। और यहाँ से सीन कट होता है और हम कियासुके को मूवी के एंड में देखते हैं नॉवल को लिख रहा होता है, जिसमें वो अपनी और मई के साथ जितनी भी लाइफ में चीज़ें हुई एक्सपीरियंस उसको बता रहा होता है। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। देखो यार, कौन कहाँ जाएगा, किसकी किस्मत कहाँ पर जाने वाली है, किसी को पता नहीं होता। तो जिसके साथ हो, जहाँ हो, खुश रहो, मस्ती करो, और हाँ किसी के साथ रह के उसका टाइम मत खराब करो, ठीक है, वरना लाइफ लेसन मिल जाता है उस बेचारे को। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसे ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।